क्या बोला? आया स्कूल से? क्या पढ़ाई किया स्कूल में? क्या पढ़ाई किया स्कूल में? क्या क्या नहीं हुआ है? हॉस्पिटल लेके जाएगा? हाँ, क्या में लेके जाएगा? क्या में लेके जाएगा? हाँ, एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी थोड़ा देर पहले आप डुगलू बातें सब सुने ही होंगे। एक्चुअली आज सुबह सुबह बाथरूम में दीदी गिर गई तो उसको थोड़ा सा चोट लगा है। तो अभी स्कूल से रिटर्न आ रहा था तो उसको याद है उसको मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। आते ही बोल रहा है मम्मी चलो हॉस्पिटल, बाद में जाएंगे खेत। तुम सो जाती है, मेरे को क्या बोल रही है? डगलो, बाद में जाएंगे दादा लोग के पास। कितना दिन से बस सोच ही रही, मतलब मैं ही दोपहर मतलब शाम को खेत जाने का सोचते हैं जो मैं ही सो जाती हूँ और ऐसे सोती हूँ कि पूरा बेहोश। इतने अच्छे हैं बड़े बड़े पूरा। इतना अच्छे से भीग गए हैं। बस बहुत दिन हुआ आलू चोखा बनाए नहीं है, बस आज आलू चोखा बनाते हैं। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ही डेंजर कीड़ा है। एक बार अगर बॉडी में लग गया ना, खुजली कर करके आप लोग परेशान हो जाएंगे जब तक उसका कांटा नहीं निकले। अगर उसका कांटा निकालना है तो हेयर से मतलब हेयर में भी तेल नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, ऐसे ही हेयर से उसको फिर घिस के निकालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डेंजर है ये कीड़े, इसे घर में घुस गया है ठीक तो जा भी नहीं रहा है। पूरा सूख गया ना? हाँ। इसका अभी फ्रेंड्स बनेगा गुणा, इसका पाउडर बना देंगे, गुणा बोल रहे इसका पूरा फाइन पाउडर बनेगा इसको ग्राइंड कर देने से। कल भी थोड़ा सा सुखा देंगे, नहीं तो ये चाचा लोग के पास जाएंगे, वहाँ से। अच्छा से तो पिसा गया है, इसको भी छान के फिर डब्बा में रख देंगे तो ये बन जाएगा डुकलू का फेवरेट सूप, मुनगा सूप। अभी मतलब आए हैं खेत तरफ घूमने के लिए। फ्रेंड्स ये वाला खेत का तो घास ही नहीं निकाले थे हम लोग, कितना बड़ा बड़ा घास हो गया है, धान के बराबर घास। पानी नहीं है अभी तो, पानी सूखने से ही अच्छा है। ओ रे, कितने अच्छे हो गए हैं धान। चाची लोग का तो पकने पे आ गया, उधर उधर का नहीं पका है, ये दो टुक खाली खेत पका है।
मतलब और थोड़ा दिन के बाद काट देंगे। कहाँ आया बेटा? इधर खेत आए हैं बोलते। खेत आए हैं तुम? और थोड़ा सा बड़ा हो ले फिर हल लेके आना और ये सबको जोतना, ठीक है? और फिर धान लगाना। हाँ जी, एक तो फूला थे नहीं ना, जो पाके खोल एखने से पानी अटक पड़ी। हाँ पानी बाहर ही वट से जाए नहीं, उन्हें नहीं बड़ी बार खेल रहे। वो भाभी जा रही है। कौन से जावे? मछली कुमनी लगाने जा रही है, छोटा छोटा मछली फंसाए। देबे कि नहीं भौजी मछली फंसी वाले? नहीं नहीं नहीं, गिरा बे इन से। आएगी मम्मी आएगी, चलो ना। अच्छा लगा था ना? वाह, हालो का खेत। चल देखो बेटा, थम सा दे दो। अच्छा करो वाओ। आराम से देख देख के चलो, नहीं तो सीधा खेत के अंदर गिर जाओगे। घास बढ़ गया है, दिखबे नहीं करते ना। कौन गिरे रहता? कौन गिरे रहता अभी बताओ तो। डुगलू। और कौन गिरे रहता? मोशी। देख देख देख, नंगे लंगे डर रहा। नंगे लंगे नहीं तो घास में नहीं पकड़। पानी में ढोए, तू भी गिरेगा मैं भी गिरूंगी, दोनों जन। अच्छा इधर का, अच्छा इधर का पानी फोड़ दिए हैं। इधर का पानी को फोड़ दिया है भैया। देखो देखो, ये हम लोग का खेत है। अभी गिरेंगे बोला। घूमने गए थे तो कोनो नहीं हुई तो हम लोग का फोटो उठा। कैसा लगा बेटा खेत आके? कैसे लगा? कैसे जाए अभी? अरे इधर से देखो, खेत आके कैसे लगा? घूमी आके कैसे लगा बता तो दो। अच्छा लगा बोल दो। कैसा लगा बेबी? ओ येलो येलो डटी फेलो, फिश पकड़ेगा? मामी तो जाली उधर बैठा दी बेटा, हम लोग जाली नहीं लाएंगे तो कैसे फिश पकड़ेंगे? हाँ यहाँ से छोटे छोटे फिश पकड़ेंगे, डंडा से फिश नहीं पकड़ते हैं। और थोड़ा दिन के बाद धान पकने पे हो जाएगा और लग जाएगा ना, 1 मंथ नवंबर पहुंच जाएगा। काटते काटते मस्त से सब सारा धान एकदम खिल गया है, इतना प्यारे लग रहे हैं। बीच में आना पड़ता है ना घूमने के लिए। मामी का वेट करेंगे। चलो चलो ब्लॉग एंड कर। नो 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 नो, उधर नहीं जाओ, स्नेक निकलेगा। तुम हम लोग के साथ में रह, हुआ? उधर नहीं जाना, स्नेक निकलेगा। क्या करना? स्नेक निकलेगा। स्नेक में निकलेगा। तुम गायब रास्ता से नहीं जाएंगे, अब इधर से जाएंगे सीधा होके। नहीं करो बेटा। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो टाटा बाय बाय करो। बाय। चलो बाय 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 बाय।